सिर में खुजली, बालों में डैंड्रफ, सर्दी में गीले बाल तो गर्मी में पसीना कर देता है हालत खराब। इस्लाम के लिए शोबिज को छोड़ने वाली सना खान ने बताया है कि कितना मुश्किल है हर वक्त पहने रहना हिजाब। जी हाँ, वही सना खान जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबिज को अलविदा कह दिया था और खुद को हिजाब के पीछे छुपा लिया था। साल 2020 में सना ने अचानक ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया था। वो दिन है और आज का दिन है। अब सना खान हमेशा बुर्का या फिर हिजाब पहने ही दिखती हैं। कोई भी मौसम हो, सना के सिर से हिजाब नहीं हटता है। हिजाब सना खान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब सना खान ने बताया है कि कितना मुश्किल है हर वक्त हिजाब पहने रहना। जी हाँ, हिजाब को लेकर छलका है सना खान का दर्द। सना खान ने बताया है कि जितना दिखता है उतना आसान भी नहीं है हिजाब पहनना। हिजाब पहनकर कई मुश्किलें भी सामने आती हैं। इन्हीं मुश्किलों से इन दिनों सना खान को भी दो चार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों सना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि उन्हें अपने बाल खोले रखना काफी अच्छा लगता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने वीडियो में हिजाब को लेकर भी कई बातें की हैं। सना ने कहा है कि इतनी गर्मी में भी मैंने ये स्कार्फ पहना है, मेरे सिर में खुजली हो रही थी, बाल बांध बांध कर मेरे सिर में डैंड्रफ भी हो गई है। सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि सर्दी में भी हिजाब कई बार मुश्किलों का सबब बन जाता है। ये बताते हुए सना ने आगे कहा है कि मुझे कहीं जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैं बाल सुखा नहीं पाई और गीले बाल ही बांध लिए। मुझे इससे ठंड लग रही थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए किया है, जिससे वे खुश हो जाए। उनकी रजा मेरे लिए कामयाबी है। हालांकि ढेरों मुश्किलें झेलने के बाद भी सना खान को हिजाब पहनना खुशी देता है। वीडियो में सना रोते हुए बता रही हैं कि उन्हें अपने बाल खोले रखना काफी अच्छा लगता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खुशी उन्हें स्कार्फ पहनकर होती है। सना आगे बताती हैं कि मुझे भी बाल खुले रखना पसंद है, पर उससे भी ज्यादा स्कार्फ पहनना पसंद है। मैं सुबह जिस पल स्कार्फ पहनती हूँ, ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। फरिश्ते नेकी लिख रहे हैं। मुझे अल्लाह पाक से बेशुमार प्यार है। अल्लाह जब अपने बंदों को अपने हुक्मों पर देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। आपको बता दें कि सना जल्द ही माँ बनने वाली हैं। वो अपनी प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं। बीते दिनों ही सना खान ने खुलासा किया था कि उन्होंने प्रेगनेंसी के सातवें महीने में भी 30 रोजे रखे थे। इस दौरान उन्हें उल्टियां हुई, उनकी तबीयत भी बिगड़ी, लेकिन फिर भी वो अपनी इबादत पूरी कर पाई। उन्होंने पूरे 30 रोजे रखे थे। सना खान जून महीने में अपने पहले बेबी को वेलकम करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।